हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिस ओलंपिक 2024। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ओलंपिक से संबंधित प्रश्न जो है वो अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। यह इसका कौन सा संस्करण था? तो यह इसका 33वां संस्करण था। प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? पेरिस फ्रांस। आयोजन कब हुआ? आयोजन हुआ 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को। अब बात यहाँ पर क्या होती है कि पेरिस में क्या ओलंपिक का आयोजन पहली बार हुआ है? नहीं, पेरिस में ओलंपिक का आयोजन तीसरी बार हुआ है। अब इससे पहले कब कब हुआ था? तो इससे पहले जो है वर्ष 1900 और वर्ष 1924 में हुआ था। स्थान क्या रहा? स्थान जैसा कि मैंने बताई दिया है कि 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन पेरिस अर्थात फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो उद्घाटन समारोह सोन नदी पर हुआ। 128 वर्ष के इतिहास में, ओलंपिक के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी ओलंपिक का जो है वो उद्घाटन जो है स्टेडियम में ना होकर पेरिस के सोन नदी के तट पर हुआ। इस ओलंपिक का शुभंकर कारण क्या रहा? तो इसका शुभंकर जो है वो फ्रीजेस रहा, जो पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रीजियन टोपी से प्रेरित है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक गीत क्या रहा? तो वो हेलो वर्ल्ड रहा। इसमें कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया? तो इसमें जो है वो 10,500 एथलीटों ने भाग लिया। इसमें कुल कितने खेल खेले गए? 32+4 329 इवेंट हुए। इसमें कितने बड़े भारतीय दल ने भाग लिया या भारतीय दल की संख्या क्या थी? तो इसमें जो है 117 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक जो है पीवी सिंधु व शरद कमल रहे। प्रश्न किस तरह से फ्रेम होगा? पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो वहां जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा पीवी सिंधु व शरद कमल। यहाँ हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। तो पीवी सिंधु का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है और शरद कमल का संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है। इसी प्रकार समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन कौन रहे? पी आर श्रीजेश और मनु भाकर रहे। अब यहाँ पर प्रश्न किस तरह से फ्रेम होगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन रहे? तो वहाँ हमारा उत्तर क्या होगा? पी आर श्रीजेश और मनु भाकर। मनु भाकर जो है वो शूटिंग की खिलाड़ी हैं और पी आर श्रीजेश जो हैं वो हॉकी के गोल कीपर हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक जेवलिन थ्रो स्पर्धा में 89.45 मीटर भाला फेंक कर जो है वो रजत पदक जीता। यहाँ पर प्रश्न किस तरह से फ्रेम हो सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक से है। यहाँ पर एक प्रश्न और क्या क्रिएट होता है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता है लेकिन टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड अर्थात स्वर्ण पदक जीता था। मनु भाकर, भारतीय निशानेबाज, महिला निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और फिर सरब जोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रश्न किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। एक तो ये फ्रेम हो सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो वहां पर हमारा उत्तर क्या होगा? मनु भाकर। अर्थात पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को जो पहला पदक दिलाया था वो मनु भाकर ने दिलाया था 10 मीटर एयर पिस्टल में। एक प्रश्न यहाँ और किस तरह से फ्रेम होता है कि किसी भी ओलंपिक में दो पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो किसी भी ओलंपिक में दो ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली खिलाड़ी जो हैं वो मनु भाकर हैं। इन्होंने एक ही ओलंपिक में दो पदक प्राप्त किए हैं, एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में और मिक्स्ड में जो है सरबजोत सिंह के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता है। तो एक ही ओलंपिक में दो मेडल प्राप्त करने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी हो गई है। पहलवान अमराज सेरावत ने 57 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य व स्वप्निल कुशाली ने 50 मीटर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। ये 21 वर्षीय अमन सेरावत हैं। इन्होंने किस भार वर्ग में जीता हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस इवेंट में कौन जीत रहा है। तो इन्होंने 57 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य जीता और स्वप्निल कुशाली जो कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं उन्होंने 50 मीटर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी कांस्य पदक जीता था। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि पदक तालिका में कौन सा देश किस स्थान पर रहा। हमने तीन देश लिए हैं, तो इसमें प्रश्न किस तरह से फ्रेम होता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक किस देश ने प्राप्त किए या कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो वहां पर हमारा उत्तर क्या होगा, अमेरिका। अमेरिका ने 40 स्वर्ण पदक जीते, 44 रजत पदक जीते और 42 कांस्य पदक जीतकर कुल 126 पदक प्राप्त किए और वह पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। इसी प्रकार चीन ने भी 40 स्वर्ण जीते, 27 रजत पदक जीते और 24 कांस्य पदक जीते, कुल मिलाकर 91 पदक जीतकर चीन जो है वो पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। अब आता है जापान। जापान 20 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 45 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। ये तीनों मैंने, लेकिन यहां पर हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत जो है 1 रजत और 5 कांस्य पदक, भारत ने कुल कितने पदक जीते, कुल 6 पदक जीते। प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न फ्रेम होता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते, 1 रजत और 5 कांस्य। और पदक तालिका में वो मेडल टैली में किस स्थान पर रहा, तो वो 71वें स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का जो था वो 48वां स्थान था। यहाँ हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ओलंपिक जो है वो प्रति 4 वर्ष पर आयोजित होते हैं। और यहाँ यह भी मालूम होना चाहिए कि 2024 में तो ओलंपिक जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुए और 2028 में ये ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे, तो 2028 में ये ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित होंगे। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारी हिंदी मासिक पत्रिका प्रतियोगिता साहित्य करंट अफेयर्स हिंदी मासिक पत्रिका का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।